मनोज यादव आ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज भाई लेट आए आप। मनोज भाई, दो चीजों पर चर्चा हो रही है। एक, सहमति चाहते हैं, देश बहुमत से चलता है, सरकार बहुमत से चलती है लेकिन देश सहमति से चलती है, और हम देश को सहमति से चलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है। बतौर विपक्षी पार्टी आपका क्या कहना है, क्या आप प्रधानमंत्री को सहमति देने के लिए तैयार हैं? और बात संविधान की भी हो रही है क्योंकि संविधान बचाने को विपक्ष लगातार कह रहा है। अनिश्चित, पहले तो माफी चाहूंगा कि लेट हुआ। लेट इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पुलिसकर्मी छोटे छोटे जाम नहीं छुड़वा पाते हैं। मैं पिछले 45 मिनट से आपके स्टूडियो से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे फंसा था और इतना समय लग गया आने में। इसी तरह उत्तर प्रदेश के भी हालात बुरे हैं और पूरे देश भी इसी मकर जाल में फंसा हुआ। अब आता हूँ आपके सवाल पे। सहमति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी को अगर 303 मिल जाए ना, फिर भी जनता की सहमति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और वो सहमति होती है जम्मू कश्मीर में जब आप कुछ हटाने की बात करते हो तो जनता की सहमति नहीं लेते हो। मोदी जी उस वक्त नहीं याद आया था क्या आपको? याद करना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर की जनता से पूछा जाए ये 370 हटाना है कि नहीं हटाना। फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा देते हैं तो क्या आपने पूछा था कि भैया मध्य प्रदेश वालों, आपने तो कांग्रेस को मैंडेट दिया था लेकिन हम आपकी सहमति से असहमति से कोई भी नाता नहीं रखते और सरकार आपने गिरा दी थी। तो इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी के मुख से मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगनी चाहिए या देश को सुनना भी चाहिए। बहुमत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बहुमत अगर आपको नहीं मिला है तो निश्चित तौर पे ये वाले शब्द जो सहमति, विपक्ष सशक्त मजबूत, विपक्ष होगा तो अच्छा भारत बनेगा, अच्छी पॉलिसीज आएंगी, ये सब बातें तब अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आपका 303 होता है, गौरव जी वो एक चीज और कह रहे हैं। उन्होंने एक चीज और कही है। उन्होंने कहा सब्सटेंस चाहिए, स्लोगन नहीं, विपक्ष को समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए एक बार बताएं, मोदी जी विपक्ष को आईना ना दिखाएं, अब तो वो एनालिसिस करें, वो तमाम तरीके से विवेचनाएं करें कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है देश के लिए, आखिर जनता को किस तरफ लेके गए, भारत को किस दिशा में लेके गए, ये जानना चाहिए। और अगर वो नहीं बता पाते हैं तो निश्चित तौर पे सवाल जवाब होंगे। मैं सबसे बड़ी बात तो ये पूछता हूँ, जीएसटी पे देश ने क्या आपको रुख दिया है उस पर आपको बताना। आपने तो एक पॉलिटिकल पैमाना बना लिया था, अरे हमारी सरकार है, अरे हम जीत गए, हम चुनाव जीत गए, जीत गए तो इसके बाद फिर तो सब कुछ जायज हो जाता था। नहीं नहीं, लेकिन अजय बहुमत नहीं है, सुनिए आप जानते हो क्या, जो दो सबसे बड़ी पार्टियां जरूरी है। एक मिनट, आ रहा हूं मनोज भाई, वो क्या कह रही है और मैं एक जो आप ही के साथ थी कभी अभी विपक्ष में उनकी सांसद क्या कह रही है वो भी बताता हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है अभी भी मोदी जी को लग रहा है कि उनकी बहुमत की सरकार बनी है और वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बदल सकते हैं। अगर आपका तौर तरीका वही रहेगा जो पिछले 2 टर्म में बहुमत को लाने के बाद था, जहां आपका मन आता था वहां आप मनमानी करके लोगों को सस्पेंड कर देते थे, डेप्यूटी स्पीकर का चयन नहीं होता था, नेता प्रतिपक्ष को जगह नहीं मिलती थी, तो ये सब आपको ध्यान दिलाते हुए कि ये जो देश है वो संविधान पर चलेगा। और आज विपक्ष भी उतना ही मजबूत है जितना सत्ता पक्ष, यानी विपक्ष की सारी पार्टियां आपको संविधान के मुद्दे पर घेरने को एकदम तैयार बैठी है इस सत्र में। देखिए आप मनमानी करते हैं ये बोल रहे हैं वो, मुझे लगता है कुछ समझ का फेर है। वो एक कहावत है ना कि सावन के अंधेर ने पहली बारिश देखी, 10 साल के बाद तो उसको लगा कि बाढ़ आ गई। वही विपक्ष के साथ हो रहा है। अरे ये लोग भूल रहे हैं क्या कि एनडीए की बहुमत की सरकार है। 293 का तो हमने समर्थन पत्र राष्ट्रपति जी को दिया है, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन देखिएगा नंबर कितना रहेगा। भाई आप विपक्ष में हो 5 साल के लिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, नंबर 293 से बढ़ भी सकता है आप ये कह रहे हैं जी? वो देखिएगा ना फ्लोर टेस्ट में, जब फ्लोर टेस्ट होगा, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। इन लोग तो कह रहे हैं कुछ दिन में सत्य मतलब हमारी तरफ आ जाएंगे, आप कह रहे हैं इंडिया का नंबर बढ़ जाएगा, अभी सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे। आप देखिएगा क्या क्या होता है, आप देखिए तो सिर्फ रोड सोने दीजिए। मुझे कह रहा हूँ कि मुगालते में क्यों है, हम बहुमत में है, कह रहे हैं बहुमत नहीं दिया। अरे एनडीए पूर्ण बहुमत में भाई साहब, सुरेंद्र भाई जानते हैं, 145 लेके UPA 1 चलाया, 206 लेके UPA 2 चलाया, हम यहाँ 240 लेके बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी भी है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमको बहुमत नहीं है। मतलब राजनीति में इतनी बड़ी अज्ञानता, अजानबूझ के अज्ञानता को प्रकट करना,
और मतलब किस चीज के लिए आप लोग अहंकार है भाई, हार गए आपके नंबर बढ़ गए विपक्ष नहीं, लेकिन क्या विपक्ष से चर्चा को तैयार है अजय आलोक? छोड़िए ये सारी बातें, अब ये बहुत देर से हो रही है, मुझे ये बताइए विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, नहीं एक बार सुनिए सर, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, नीट को उठा रहा है, आतंकी हमलों को उठा रहा है, संविधान को उठा रहा है, क्या बीजेपी आज इस एनडीए सरकार की आप बात कर रहे हैं, आप चर्चा के लिए तैयार हैं? इस पर पूरी चर्चा होगी। राहुल गांधी ने पूरा ट्वीट किया है, दूध दाल गैस टोल महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम ना होने से मौतें, भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, ये सब उन्होंने पूरा प्रॉपर ट्वीट किया है। क्या विपक्ष से आप इन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं इस सत्र में? बिल्कुल, विपक्ष बिल्कुल नियमावली के तहत विपक्ष अपने मुद्दे स्पीकर को भेजे और स्पीकर उनको सेलेक्ट करेंगे, सरकार पूरी चर्चा पे पूरा जवाब देगी। पहले चिल्ला रहे थे सीबीआई इंक्वायरी नहीं, सीबीआई इंक्वायरी नहीं, सीबीआई इंक्वायरी नहीं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई। उसके बाद चिल्लाए महानिदेशक को हटाओ, सुबोध सिंह को हटाओ, सुबोध सिंह को हटाओ, सुबोध सिंह को हटा दिया। पहले कोई घोटाला नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ, अब तो 5-5 राज्यों में जांच चल रहे हैं। आप भाई चर्चा कीजिए ना, एक्शन टेके ना, क्या एक्शन टेके, आप ये चर्चा कीजिए जरूर, क्यों हो रहा है, सरकार जवाब देगी। लेकिन चर्चा नहीं करना है भाई, माहौल बनाना है, ये लोग माहौल बनाने के लिए हैं बाहर में। बताइए भाई सुरेंद्र जी, चर्चा नहीं करना चाहते, ये तो कह रहे हैं कि नियमावली के तहत आइए, चर्चा करने को सरकार तैयार है, आप माहौल बनाना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अब मुगालते में ना रहे, मुगालते में ना रहे कि सरकार कमजोर है, बहुमत नहीं है बीजेपी को। हाँ ये भी कह रहे हैं, मुगालते में मत रहिए भाई, जवाब दीजिए, मजबूत सरकार है। ओके जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। और भी कुछ कहना हो अजय भाई कह लो, आपकी भड़ास पूरी निकल जाएगी, और कुछ कहना हो तो एक साथ हम जवाब। धन्यवाद सर, बहुत 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 कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद आपका, आप लोग बिल्कुल। अब देखिए ये परेशानी है गौरव भाई, हम लोग हार करके भी खुश हैं और ये लोग जीत करके भी खीज में हैं, और ये कह रहे हैं सर्वानुमतिस चलाएंगे। अरे गुस्से में जो सत्ता पक्ष में होता है गुस्से में होता है, जो विपक्ष में होता है वो बात कहता है, सत्ता पक्ष तो अपने काम से क्या नाम लोगों को बताती है। जब सत्ता पक्ष अपनी क्या नाम बतगोलों से बताने लगे तो समझ लीजिए कि सरकार अंदर से बहुत कमजोर है, एक बात। दूसरी बात आप समझिए इस चीज को कि आप पिछले 10 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए, एक बात। आज नीट का पेपर लीक हुआ है, अजय आलोक स्वयं नहीं चाहेंगे कि कोई अयोग्य व्यक्ति इनके अस्पताल में आकर के डॉक्टर रहे, अजय आलोक स्वयं नहीं चाहेंगे कि कोई अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बने और योग्य व्यक्ति खीज में रहे। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, किसी न किसी को तो आप जिम्मेवारी देंगे। तो आप यही तो चाहते हैं कि संसद में इस पर चर्चा हो, चर्चा को तैयार है सुरेंद्र जी? सुनिए 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 तो सर, आप असल बात आप वही चक्कर है, आप उनको 5 सेकंड मतलब आप उनको 5 मिनट मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, मैं तो आपको आप ही से सवाल पूछ रहा हूं सुरेंद्र जी, इतना तो हम सवाल पूछने नहीं लेंगे क्या? मैं कह रहा हूं आपने कहा था कि नीट पे हम चर्चा चाहते हैं, अजय आलोक ने साफ कहा कि हम चर्चा करेंगे। अरे भाई वही तो कह रहा हूँ कि आप अजय आलोक जी से राम की स्पेलिंग पूछते हैं, सतप्रकाश जी से आप सीता की स्पेलिंग पूछते हैं, हमसे चेकोस्लोवाकिया पूछने लगते हैं, क्या करें हम भाई? मसला तो ये, हमें तो सबको क्या नाम सामने रखना है ना, आप हमारी बात को समझिए, हम चर्चा करेंगे, नियम सम्मत चर्चा करेंगे और उसी नियम से चर्चा करेंगे, उस नियम में मत विभाजन की बात भी करेंगे, नियम 293 के तहत चर्चा करेंगे, और आप उस चर्चा से भागेंगे हम पहले से बता दें, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी हमारे साथ रहेगा जातीय जनगणना में और नीट में, और TDP भी हमारे साथ रहेगी और आपके अन्य दल भी हमारे साथ रहेंगे। सच बात यह है कि आपने एक IAS को हटा करके एक पूर्व IAS को बना दिया NTA का अध्यक्ष, शर्म नहीं आती है आपको? आपने उस प्रदीप जोशी का नाम है या कोई जोशी जी हैं उनको, वो चेयरमैन है कितने साल से, और जहां जहां वो अध्यक्ष और चेयरमैन रहे हैं सब जगह पे अनियमितता रही है, व्यापम से लेकर के NTA तक, आखिर उनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो हम गलत हो जाते हैं। सच बात यह है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा को सिर्फ एजुकेशन में एंट्री करने के लिए, उसमें दमादम घुसेड़ने के लिए आप लोग ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को रखते हैं, इस पर हम सवाल ना उठाएं, हम इस पर भी सवाल ना उठाएं कि आप बिल्कुल अयोग्य लोगों को अंदर कर दीजिए और उसके बाद क्या नाम सरकारी नौकरियां खत्म कर दीजिए, लोगों का आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, जातीय जनगणना कीजिए मत, और उसके बाद हम बोले नहीं, सतप्रकाश जी बैठे पूछिए ये जातीय जनगणना के पक्ष में है कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है जातीय जनगणना के पक्ष में।